Hare Krishna, Hare
की शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं करवा ते जस्विनौ अधीतमस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता मत की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदा। आदि अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मालिके कुल भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्तों के शहनशाह भगवान कृष्ण की गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज तेरी सदा ही जय। बैठे अकेला दो गरीब ईश्वर के गुण गाया कर बैठे मन मंदिर में गापला जड़ू रोज लगाया कर मन मल सोने में गरन गुजारी दिन भर करता पाप रहा सोने इसी तरह बर्बाद अबल दे करता अपना आप रहा इसी रात समय उठ नींद से सत्संग में तू आया कर रात समय उठ बैठे अकेला दो गरीब ईश्वर के गुण गाया कर बैठे दे बैठे अकेला गो गरीब ईश्वर के गुण गाया कर बैठे मानुष के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं मानुष जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं आज मुक्ति पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर मुक्ति पाने बैठे अकेला दो गरीब ईश्वर के गुण गाया कर बैठे मन मंदिर में गापला झाड़ू रोज लगाया कर मन झाड़ू रोज लगा
देख दया उस परमेश्वर की, गीता का जिस ज्ञान दिया। देख दया उस परमेश्वर की, गीता का जिस ज्ञान दिया। भाई गीता का जिस ज्ञान दिया, जिस ज्ञान दिया, सोच विचार जरा तू मन में कितना है कल्याण किया। भाई कितना है कल्याण किया, गीता सुनने के लिए श्रद्धा को बढ़ाया कर। गीता सुनने के लिए श्रद्धा को बढ़ाया कर। बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में वापला झाड़ू रोज लगाया कर। आज बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बैठे अकेला मन मंदिर में वापला झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट भगवान कृष्ण की, श्री भगवान वाद भक्त हो करे तालु किसी से नफरत से, मुझको मकसूद अपना ख्याल, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। मेरा भक्त हर काम मेरा, तालु किसी से नफरत से, करे मुझको मकसूद अपना, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं बेटियों बुजुर्गों उपस्थित, नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार एवं असीम कृपा के फल स्वरूप हम इन दिनों इस प्रभात समय की सुंदर और पावन वेला में श्रद्धा मान एवं बड़े सत्कार पूर्वक और वो भी बड़ी उत्सुकता एवं आतुरता दिखाते हुए श्रवण कर रहे गए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी श्री गीता जी। प्रभु प्रेरणा से हम लोग इन दिनों एक विशेष खोज में लग गए। महाराज जी के हर अध्याय में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक आचार्यों गुरुओं एवं गीता रहस्यकारों द्वारा माना गया है। उनकी इस खोज का या उनके इस आविष्कार का हम लोग पूरा पूरा लाभ उठाने में लगे हुए हैं। कल हमने श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक के दो शब्दों पर विचार किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसके हमने लाक्षणिक अर्थ लिए और अपने इष्ट भगवान जी से हार्दिक प्रार्थना की थी कि प्रभु हमें विशेष शक्ति प्रदान करें ताकि भगवान जी के इन लाक्षणिक अर्थों के अनुसार हम अपने जीवन को प्रतिदिन के कार्यों में लगाकर सफल कर सके। चलिए आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और इसके अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार लिए हुए 71वें श्लोक को देख रहे हैं। 71वां श्लोक
दूसरे अध्याय का अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत सार रूप में माना गया है। मैं जरूर प्रार्थना करूंगा प्रभु प्रेरणा से, ये जितने भी हम श्लोक हर अध्याय का एक एक लेंगे, हम सबको कंठस्थ हो जाने चाहिए, ताकि समय समय अनुसार हम उनका उच्चारण करते हुए न केवल अपने कंठ को बल्कि अपनी बुद्धि और मन को और साथ ही साथ अपने जीवन को सफल कर सके। यह है दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, लास्ट बट वन। बहुत ही गुणकारी, लाभकारी एवं उपादेय महाराज जी के मूल बोल हैं, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरते निस्प्रिया निर्ममा निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल दिल उसका से। हरिओम सत, हरिओम सत सत, हरिओम सत। आइए रल मिलकर ऐसी सुंदर प्रभात वेला में विचार करें। महाराज जी ने कहा केवल मात्र वही खुश नसीब और वरभागन देवियां सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकेंगी। ये सुनकर बड़ा मन गदगद होता है कि शांति की तो हमें जन्म जन्मांतरों से तलाश है, शांति की तो हम खोज कर रहे हैं। कैसी शांति? शाश्वत शांति। कैसी शांति? ऐकांतिक शांति। ऐकांतिक जो हमेशा रहती है, दायम कायम शांति, चिरस्थाई शांति। ऐसी शांति भगवान कहते आ ओ नेक जीव, मैं तुझे बतलाऊं कि ऐसी शांति जो तू जन्मों से खोज रहा है वो कैसे प्राप्त हो सकेगी, जिसको हमने कई जन्मों तक सजनों और मेरी उपस्थित विचारशील धार्मिक बेटियों नहीं प्राप्त किया। और मन बेताब है, मन में विशेष प्रकार की बेचैनी है कि कैसे मुझे चोटी की शांति मिले ताकि हमारी भटकन बंद हो जाए। याद रहे जब तक हम ऐकांतिक एवं शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारा मन भटकता रहेगा। यही मूल में भूल करता हुआ, मूल में भूल करता हुआ, ये मिल जाए वो मिल जाए तब मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल और शांतमय हो जाए। हो नहीं सकता संसार के प्राणी पदार्थों को बटोर कर, संसार के प्राणी पदार्थों का संग्रह करते हुए और उनका उपभोग करते हुए आज तक किसी को भी स्थायी शांति नहीं मिली। हाँ थोड़े दिनों के लिए सुख जरूर मिला, सुख जो कि चंद दिन रहता है, शांति जो कि चिर स्थाई होती है, जो सदा सर्वदा के लिए जीव में रहती है, उसे हम शांति बोलते हैं। तो अब महाराज जी कृपा करने जा रहे हैं, हमारे सब पर बड़ी कृपा, ये भगवान की हमारे पर बहुत कृपा है जिसका पूरा कथन मेरी छोटी सी वाणी से हो ना पाएगा, क्योंकि उनकी कृपा असीम है, उनकी कृपा हमारे पर अथाह है, इसलिए कोई क्या उसका वर्णन भी क्या करे। तो आइएगा हम लोग विचार करें स्थाई शांति किसको मिलेगी। भगवान ने कहा जो अपने अंतःकरण को इस तरह बना लेगा। अजी किस तरह? लो मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और मेरे उपस्थित नेक भाइयों, हम लोग गंभीरता पूर्वक ऐसी सुंदर वेला में बैठे हुए विचार करें किसको, किस खुश नसीब को, किस बड़भागन देवी को सदा रहने वाली शांति प्राप्त होगी। भगवान ने कहा विहाय कामान या सर्वान, जो सब प्रकार की कामनाओं को सदा सर्वदा के लिए छोड़ देगा। विहाय कामान या सर्वान पुमान चौथी निस्प्रिया, सब प्रकार की कामनाओं को सर्वान शब्द लगा दिया, सब प्रकार की कामनाओं को जो छोड़ देगा। एक बार तो आप सुनकर के हैरान रह जाती हैं, हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीव सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ देंगे, क्या यह संभव होगा? विचार कीजिएगा। अभी तो बेशक आप हैरानगी में रहिए, पर भगवान इसको बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। सब प्रकार की कामनाएं हमने की क्यों? शांति के लिए, आराम के लिए, जीवन के चार दिन सुख चैन से काटने के लिए, लेकिन क्या परिणाम हुआ? इसके उलट, बिल्कुल भी शांति आराम और चैन या करार नसीबा में नहीं आया, बल्कि इसके उलट बेचैनी और बेकरारी जो हम बिल्कुल कतई नहीं चाहते थे, उसी के साथ हमें दो चार होना पड़ा।
अब भगवान मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गो और मेरे उपस्थित भाइयों स्पष्ट कर रही है क्या कामनाओं से मन उपराम कर ले। जिन कामनाओं के वश की बात नहीं तुझे सदा रहने वाली शांति देना, उन कामनाओं में फिर हम क्यों मरे, पीसे हुए क्यों क्यों पीसे। जिन कामनाओं को बार बार पूरा करते हमने अनुभव कर लिया कि इन कामनाओं से स्थायी शांति नहीं मिलती, थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों की शांति सुख मिल जाता, लेकिन हमारे मन को तो तलाश है ऐसा सुख जो कभी दुख के दिन न देखे, ऐसी शांति जो कभी भी अशांति में परिवर्तित ना हो, ऐसी शांति हमारा मन चाहता है जो उत्तरो उत्तर बढ़ती जाए चंद्रमा की कलाओं के समान। जैसे चंद्रमा की कला उत्तरो उत्तर बढ़ती जाती है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, जो दो दिन आएगा चंद्रमा की कला पूर्ण पूर्णिमा तक बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। इस तरह हम भी चाहती हैं जो दिन हमारी जीवन में आए चंद्रमा कलाओं के अनुसार और भी शांति को बढ़ाने वाला सिद्ध हो। हर नया दिन हमारी उमंग है, हर नया दिन हर आने वाली नई प्रभात हमारी शांति को बढ़ाने में सिद्ध हो, हमारी शांति को उन्नति देने में सिद्ध हो। हम यही चाहती हैं हर प्रभात मंगल प्रभात सिद्ध हो, हर प्रभात मंगल प्रभात सिद्ध हो, यानी हमारी कल्याण करने वाली, हमारी शिव करने वाली, हमारी बेहतरी करने वाली सिद्ध हो। अति सुंदर। तो भगवान ने कहा अब देख तो लिया हमने कितनी शरीर संबंधी कामनाएं की, हमने मानसिक संबंधी कामनाएं की, हमने परिवार संबंधी कामनाएं की, हमने समाज संबंधी कामनाएं की, हमने जो है स्वर्ग संबंधी कामनाएं की, देवताओं संबंधी कामनाएं की। कामना कोई एक प्रकार की थोड़ी होती है, कामनाएं नाना प्रकार की है, इस लोक की भी परलोक की भी। हमने कई प्रकार की लोगों को कहने पर या लोगों की देखा देखी कामनाएं की और जी खोल के की और उनका पूरा करने के लिए भी अपने सारे साधनों जुटाते हुए एड़ी चोटी का जोर मारा। गुजरी जिंदगी आपके भी सामने है, मेरे भी ओझल नहीं है, मैं भी अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा रहा हूं। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने साधन जितनी समर्थता भगवान ने हमें प्रदान की थी उस समर्था और शक्ति को लेते हुए हमने कामना को पूरा करने के लिए भरसक चेष्टा की, लेकिन परिणाम हर बार तीन काने पड़े फौ भारत हुए नहीं। भले ही मन ये सब भाग्य दिखाता रहा अब की बार ये कामना पूरी हुई पौ बारह होंगे, लेकिन हुआ इसके उलट, हमेशा ही तीन काने हमेशा ही हमारी भावना के उलट होता रहा। अर्थात न चाहने पर भी नाना प्रकार के दुख क्लेश मुसीबतें और कठिनाइयां हमारे दरपेश नहीं। हम कहती थी कि अब ये कामना पूरी होगी अब तो हम शांति से जिएंगे, लेकिन ऐसी बात बनी नहीं। तो अब भगवान कह रही हैं अब भी कोई और कसर है आजमाने की, नहीं इष्ट देव ऐ सर्वेश्वर अब कोई जरूरत नहीं मुझे आजमाने की। तो भगवान कहते उपराम कर ले अपना मन, इन कामनों से अपने आप को उठा ले, जो आज्ञा प्राणनाथ। हमारे सरताई भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं सजनों और मेरी उपस्थित धार्मिक माता और बेटियों कि आप सब प्रकार की कामनाओं से अपने आप को उठा ले, शरीर संबंधी मन संबंधी परिवार संबंधी समाज संबंधी इत्यादि इन सब प्रकार के लिए भगवान लगाया सर्वान, बहुवचन लगाया मेरे सजनों भगवान ने, विहाय कामान या सर्वान, सब प्रकार की कामनाओं से अपने आप को उठा ले। सब प्रकार की कामनाएं प्रलोक संबंधी भी लोक संबंधी भी, हम इन सारी कामनाओं से अपने आप को उपराम कर ले, सबको अपने आप को उठा ले, तत्काल अपने आप को ले चले। कभी आप घर में देखें हमारे घर में और विशेषकर आपके इस सत्संग भवन में नाना प्रकार के बिजली के पॉइंट लगे हुए हैं। हाँ अगर हम सिर्फ मंदिर के पॉइंटों को जलाएं और बाकी सब पॉइंटों को बंद कर दें तो रोशनी एकदम बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ जाती है, वोल्टेज के बढ़ जाने से आपका रोशनी भी बढ़ जाती है, क्योंकि सब प्रकार के पॉइंट जला देने से वो वोल्टेज कम हो जाएगी और रोशनी जो बंटवारे में हमें आनी चाहिए उतनी आएगी, यानी मध्यम रोशनी आएगी। और अगर एक तरफ से बंद कर दिया जाए और सिर्फ मंदिर की रोशनी जलाए तो बड़ी शानदार रोशनी होती है, वोल्टेज बराबर मिल जाती है मंदिर के पॉइंट्स को। इसी तरह जब हम सही रूप में समझ आते हैं कि इन तेलों में अड़िया तेल नहीं हो, इनमें तेरी यथार्थ शांति है नहीं, तो हमारा मन उपराम हो जाता है। जिनके लिए ललायत हुआ करता था, जिन कामनाओं को पूरा करने के लिए मन में बड़ी भारी उत्कंठा थी अब नहीं रहती, तो फिर क्या होगा, मन में एक विशेष प्रकार की शक्ति बढ़ने लगती है, मन केंद्रीभूत हो जाता है, एक विशेष प्रकार का हर्षो उल्लास हमारे मन में बढ़ जाता है। तो फिर
इन सारी कामनाओं को हमने दूर कर दिया तो फिर मन तो कहीं ना कहीं टिकेगा, ऐसी तो हो नहीं सकता। साथ ही साथ पहले जैसे हजूर ने बताया ये सारी कामनाएं कब छूटेंगी, दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहते हैं यूं तो कहने से तो कामनाएं छूटेंगी, भली भगवान ने कह दिया या किसी भगवान के प्यारे ने कह दिया या कोई महात्मा जी आए, कोई तत्ववेता यहां पर आया और उसने कह दिया, यूं तो काम नहीं छूटेंगी। छोटे से बच्चे के हाथ में खिलौना होता है, अब आप कहते हैं खिलौना टूटा हुआ है, अगर इसका सिरा बच्चे को मुल पर या इसके कंठ पर इसके हाथों पर लग गया तो हाय खून निकलेगा, इसकी जो होंठ है वो जख्मी हो जाएंगे। अब फिर बात नहीं है, बच्चा नहीं छोड़ता। अब थप्पड़ मारना चाहते ये तरीका बिल्कुल गलत है, अब झाड़ के छोड़ना चाहते ये तरीका भी गलत है। हमारे वहां पूछ कहते तुम क्या करना चाहते हो, बच्चे के हाथ से ना ये खिलौना छुड़वाना चाहते हैं, खिलौना टूट गया है और ये लोहे का बना हुआ इसका सिरा निकल रहा है, कहीं भी बच्चे को लग सकता है और बच्चे को जख्म हो जाएगा। ठीक, तो बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जाओ बच्चे को बड़ा शौक है खाने का, ले आई बर्फी अपने अंदर से दो टुकड़ियां आप लाए, बेटे बेटे ये देखो क्या 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 पिताजी क्या बर्फी के टुकड़े लो, बच्चा पहले हाथ में से छनकड़ा गिरा देगा और आपकी बर्फी को पकड़ लेगा। देखा आपने, ओ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, जाना नहीं पड़ा, अपनी तबीयत को एबनॉर्मल नहीं करना पड़ा और मेरी बात बन गई। इसी प्रकार जीव कहती जो भगवान ने कहा है गीता जी के कायमोलक्कल स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में क्या कहा है, क्या शांति का एकमात्र स्थान भगवान जी है। आप भूल गए जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रभु जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो कायमोलक्कल होती हैं, वो क्या बूदोबाश उनका कैसा सुखन, तो भगवान ने छूटते हुए उसी श्लोक में कहा था जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, ये कहा तो कहा भगवान बोले जो हो मैं विजात, जो मन से करे दूर सब ख्वाहिशात। अब जवाब दे रही है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को कायम लोक लगे। ये हमारे सरताज ने अपने मुख से कहा, बड़े प्रेम से बताया, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। जब जीव को समझ आ जाती है कि सदा रहने वाली शांति मेरी परमात्मा के पास है, परमात्मा की मनोपली है शांति, परमात्मा और शांति दो नहीं एक ही है, 100 पैसा कहा या 1 रुपया कहा मतलब एक ही है, क्योंकि 100 पैसे 1 रुपए की होती है और 1 रुपया 100 पैसे रखता है, 1 रुपया 100 पैसे अपने में रखता है, 100 पैसे इसलिए 1 रुपया होती है। भगवान शांति स्वरूप है या शांति स्वरूप भगवान है, एक ही बात है, कहने का ढंग अलग अलग है वरना बात एक ही है। जब हमारी बुद्धि में यह था कि जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे प्रभु के पास है और प्रभु मेरे अंतर्यामी है, ये बात समा जाए सिर्फ कानों द्वारा बुद्धि में न बैठी रहे और वहीं जंग न लग जाए बल्कि ये मन में उतर आए, बस उसी सुंदर और दिव्य घड़ी में हमारा मन वासना और कामनाओं से उपराम हो जाएगा, बिल्कुल वैरागी हो जाएगा कामनाओं से। जब ये पता लग गया जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे प्रभु के पास है और प्रभु मेरे अंतर्यामी है, इसे बोल दे अंतर्मुखी। जो वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाहर जा रही थी, सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती थी, सुंदर सुंदर कपड़ों में शांति ढूंढना चाहती थी, सुंदर सुंदर नजारों में शांति ढूंढना चाहती थी, अब बिल्कुल भी नहीं। गंदे मंदे कानों के गीतों में बैठकर मन खुशी की तलाश करता था, अब कदापि नहीं। इस तरह बाकी अंगों के विषयों में मन जा रहा था, यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में मन जाकर अपनी शांति को ढूंढना चाहता था और ढूंढता रहा हर बार मुंह की खाई, अब मन इन अंगों का दुरुपयोग न करते हुए या इन अंगों में चोरों की तरह बैठकर लुटेरों की तरह बैठकर वो अपने मतलब नहीं सीधा करेगा बल्कि अब उपराम हो जाएगा इन सबसे उपराम। जब ये बात बैठ गई, आत्मीय आत्मना तुष्टा, रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, जिससे मुतमयन जो मुतमयन हो रहा है, जो संतुष्ट और तुष्ट हो रहा है अपने में से। नेक युवो इस बात को पकड़ लो, नेक माताओं पहले भी आपने बहुत सुना है पर आप प्रसंग अनुसार प्रकरण अनुसार इस बात को जरूर पकड़ लीजिएगा कि आत्मीय आत्मना तुष्टा, अपने आप में जो संतुष्ट है, यानी शांति अपने में मिलनी है, बाहर नहीं, बाहर तो हमने अपने फराइज पूरे करने हैं,
जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन ये समझते हुए इनमें कुछ शांति नहीं, ये तो मुझे पूरा करने हैं, बस ये तो मुझे बाजार लाने हैं, बस इतना ही है, मैं ये उसमें आस रखूं कि मुझे सुख मिलेंगे, नहीं, ये मेरे कई जन्मों के ऋण हैं जो मैंने चुका देने हैं, ये मेरे माता जी है, मैं बोलूंगा माता जी, लेकिन कोई मेरा ऋण है इस रूप में, मेरा ऋण पिताजी इस रूप में, मेरा ऋण ये मेरी बहन इस रूप में, मेरा ऋण ये मेरे भैया इस रूप में, मेरा ऋण ये मेरे बाकी रिश्तेदार इन इन रूपों में मेरे ऋण है जो मैंने भगवान के नाम पर चुका देने हैं। अब जो जो चुका देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा और अंतर्मुखी होने लग जाएगा। आहा, तेरे सिर पर जो फर्ज है वो फर्ज एक कर्ज है, हजूर ने कहा हम कभी भुलाएंगे नहीं, जो भी हमारे सामाजिक फर्ज हैं ये कर्ज है, ये हिंदू धर्म की चोटी की सूझबूझ है, किसी भी संप्रदाय वाले ने इस बात को नहीं खोजा कि जो फर्ज हैं वो एक कर्ज है, इनको आप भगवान के नाम पर देवियों और मेरे अच्छे बच्चों और मेरे बेटों जरूर हमने बजा लाना है, इनको हमने पूरा करा, लेकिन भगवान के नाम पर कर्तव्य हमारे ऋण की तरह है, इनको हम पूरा करेंगे लेकिन भगवान के नाम पर, उनसे शक्ति लेकर इनको पूरा करते चल जाएंगे, तो मन में ये रखेंगे कि शांति का घर परमात्मा है, तब केवल मात्र तब हमारा मन कामनाओं से उपराम हो जाएगा, कामनाओं से उब जाएगा, तब मेरे प्रभु जो ये इस श्लोक में शर्त लगा रहे हैं, विहाय कामान या सर्वान, सब प्रकार की कामनाओं को छोड़ दे, छोड़ी ना गई छूट गई, बच्चे ने खिलौना छोड़ दिया अच्छी चीज को देखकर, मीठी चीज को देखकर छोड़ दिया, इसी तरह इन कामनाओं को नगण्य समय कर, हेच समय कर छोड़ देगा मन, जिसके अंदर ये समा गई कि भगवान में ही मेरा कल्याण है और भगवान से ही मुझे सदा रहने वाली शांति मिलनी है, बस छोड़ गया। सुनने वाले बतेरे होते हैं बच्चियों और मेरे बुजुर्गों, अपनाने वाले थोड़े थोड़े, जी सुनेंगे बतेरे, बड़े महात्मा आएंगे, बड़े तत्ववेत्ता आएंगे, बड़े आचार्य आएंगे, बड़े जय जयकार लगवाने वाले साधु भी आएंगे, लेकिन बस उतने में रह जाएगी जनता। भगवान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है, हम जरूर श्रवण करें लेकिन अपने मन में बिठाते चले, बड़ी जल्दी अपने मन में उठा लें कि आयु के दिन अब बकाया कितने रह गए, अब तो जीवन की शाम आ चुकी है, अब जीवन की शाम आ गई तो जीवन के अस्त होने से पहले हम ये बात को जान लें कि शांति घर एक बात मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण है, शांति घर मेरे नारायण है, मेरे प्रभु है, मुझे पूर्ण रूपेण अब उधर लगना, बस मन उपराम हो गया। इस अवस्था में जाके आप अपने कामनाओं को अपने आप ही छोड़ देंगे, बिना प्रयास के अनायास कामना छूट जाएंगी, अनायास कामना छूट जाएंगी, अनायास शब्द लगा रहा हूं, जैसे बच्चे ने बढ़िया चीज को देख करके अपने खिलौने को छोड़ दिया, इस तरह इस तथ्य और रहस्य को समझ करके हम संसार समाज संबंधी सब प्रकार की कामनाएं छोड़ देंगे, हमारा मन उनसे उपराम हो जाएगा। जो शर्त लगा रहे हैं हमारे प्रभु, विहाय कामान या सर्वान, जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर की नहीं जाएंगी, हो जाएंगी, इनमें शब्द लगा रहा हूं अनायास, अपने आप ही खामखाही संसार संबंधी कामनाएं गई, जैसे कि कहीं जख्म हो गया हो, हाँ तो उसके ऊपर मांस विशेष प्रकार का चढ़ा होता है, लेकिन जब नीचे से नया मांस जाता है तो ऊपर ला मांस पपड़ी बन के खामखाई उतर जाता है, हमें उतारना नहीं पड़ता, आपने कई बार देखा है जख्म के नीचे जब नया मांस आ जाता है तो ऊपर वाला मांस उखड़ने लग जाता है, उसे आप पपड़ी बोलते हैं, पपड़ी बनी धीरे करके उतर गई, नीचे नया मांस आया हुआ है। जब ये हमें नई सूझबूझ भगवान की ओर से आ जाएगी मन के अंदर, शांति जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे इष्ट देव के पास है, तो पुरानी कामनाएं पपड़ी बन जाएंगी, अर्थात वो मन में गहरी जो उतरी हुई थी वो ऊपर आ जाएंगी, जो नीचे गई थी ऊपर आ जाएंगी और धीरे धीरे करके हट जाएंगी। कभी आपने चाशनी देखी होगी बनती, या माताओं ने बेटियों ने तो अपने प्रसाद के लिए खुद बनाई है, क्या पानी में डाली खांड और उसको आंच के ऊपर रख दिया, आंच जरा ज्यादा जोश में डाल कर दी, यानी आग ज्यादा तीव्र हुई, प्रचंड हो गई अग्नि, अब धीरे धीरे करते हुए वो पानी खोलने लगा, खोल करके जो खांड के मैल है वो ऊपर आने लगी, अब आपने लोहे का लिया खोंचा उससे लेकर के या लोहे का पूना, अब धीरे धीरे करके ऊपर जो मैल आ गई है आप उतार देंगे, अब आपकी चाशनी पकने लग गई है, मैल उतार देंगे,
इसी प्रकार जब हमें यथार्थता का पता लगता है, आपकी कसम मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं, संसार संबंधी सब प्रकार की कामनाएं अंतःकरण पर मैल की तरह नजर आने लगती है, मैल की भांति गंध की तरह ऊपर आ जाएंगी, जिन्हें आप क्या वैराग के पोने से उतार देंगे, विचार के पोने से उतार देंगे। देखिए मैं क्या बोलता जा रहा हूं, विचार के पोने से, वैराग के पोने से आप ऊपर की जो मिट्याली कामनाएं हैं, ऊपर की जो व्यर्थ की कामनाएं थी, अब हमने समझा व्यर्थ की कामनाएं, पहले तो हम इन्हें सार्थक समझते थे, अब हम निरर्थक समझने लगे। पहले हम सार्थक समझते थे, अब निरर्थक। पहले हम इन्हें मूल्यवान समझते थे, ये कामनाएं बड़ी मूल्यवान है, वेरी वेरी वैल्यूएबल, और अब हमने कहा गुड फॉर नथिंग। हमने इनको आजमाया और इनमें तथ्य नहीं पाया, इनमें शांति नहीं पाई, हमने कहा कुछ नहीं, ये तो प्याज के छिलकों की तरह गए, जिज्ञासा बड़ी रहती है, इस छिलके के नीचे क्या, इस छिलके के नीचे क्या, इस छिलके के नीचे क्या, यूं छिलकों को ढेर लग जाते हैं प्याज के, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये कामना पूरी कर लूं, इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे ये मिलेगा, कामनाओं का ढेर लगा दिया, लेकिन क्या मिलना था, कुछ नहीं मिला सिवाय दुख तकलीफ चिंता बेचैनी के। और आप तलियां मलते हुए, हाँ, कफे जो है कफे दस्त मलते हुए या तलियां मलते हुए अब हमें कहना पड़ता है क्या, मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की, जूजू मैंने कामनाएं पूरी की, उल्टा मेरा दुख मेरा क्लेश बढ़ता चला गया। भगवान जी की दयालु कृपालु भगवान श्याम सुंदर जो दया के समुंदर है, उनकी बड़ी कृपा, उनकी अहेतुकी कृपा के फल स्वरूप आज हमें ये समझ आ गई, आज हमें ये बात पले पड़ गया कि शांति का घर भगवान है। आत्मी एव आत्मना तुष्टा रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, जिसने ये बिठा लिया वो ये अवस्था बना लेगा, विहाय कामान या सर्व, सब प्रकार की कामनाएं उसके हृदय में से निकल जाए। इस बात को याद रखना, हमने खांड को सफेद समझा था, हमने खांड को बड़ा सुंदर समझा था, लेकिन जब पानी में डाल के आंच पे रखा तो उसी खांड के अंदर जो मैल मिली हुई थी वो पानी की वो सतह के ऊपर आ गई, उसी खांड में जो मैल छिपी हुई थी अब आग पे रखने से, पानी में मिलाने से मिट्याला अंश अब छिप न सका, मिट्याला अंश अब छिप न सका। जब हमने उसे पानी में रखा और आग का जोश दिया, अब मिट्याला अंश न छिप सका, प्रकट हो गया। पहले बहुधा कामनाएं, दुखदाई कामनाएं हमें अपने अंदर जो मालूम होती थी, हाँ, अब वो अपने आप को छिपा न सकी, अपने असली रूप में प्रकट हो गई, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। किसी का वो मी का समझ रहा था, इसी को तो मूल में भूल कहती है, इसी को तो अज्ञानता कहती है, कि जिसमें सरासर दुख है, हाँ, अज्ञानता से पर्दाए जहालत से इंसान को सुखदाई समझता है, दुखदाई को सुखदाई, इसी को कहती है पर्दाए जहालत, इसी को कहती है अविद्या, इसी को कहती है अज्ञानता, इसी को कहती है इग्नोरेंस, ड्यू टू इग्नोरेंस। ये क्या हो रहा है, भगवान को भी कहना पड़ा, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई, अब नहीं हमने चक्कर में आना, अब भगवान ने यथार्थता का ज्ञान हमें करवा दिया, हमें समझाया जा रही है कि तू किन में ढूंढ रहा है, इनमें नहीं बल्कि मालिक के कुल की जात में। लो मेरी उपस्थित माता बेटियों बुजुर्ग और भाइयों, वासना कामना अब जाने लगी, वासना कामनाएं भागने लगी, अब नहीं वो टिक सकती, अब वो गई तब तक थी जब तक इनकी वास्तविकता को नहीं जाना, जब इनकी वास्तविकता को जान लिया अब नहीं वो टिकेंगी, अब नहीं वो ठहरेंगी, बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। जैसे कि बाप कुछ कह गए, चलो हमारा 4-5-6 साल एक कमरा नहीं खुला, पुलिस ने जो है सील किया हुआ था किसी कारणवश, लेकिन जब मुकदमा आपके हक में हो गया और वो मकान और उसमें कई कमरे सारे कुछ आपको मिल गए और आपको मिला उस कमरे को खोलने के आ गया रात को, तो आप चाबियां ले आए और आपने खोला और उधर से आप अपने साथ लैंप जला के लाए, मोमबत्तियां जला के लाए, तो माना चाहे 5-6 साल उसमें अंधेरा था लेकिन रोशनी के आने की देर थी, अंधेरे ने ये नहीं कहा 6 सालों में मैं रहा हूं अब मैं नहीं निकलता, तत्काल सिर पे पैर रख करके भाग गया। इस तरह जन्म जन्मांतरों से जो अविद्या या अज्ञानता हमारे हृदय में होती है, भगवान के इस ज्ञान के मिल जाने के बाद ढूंढे जाने पर भी वो विद्या नहीं मिलती, सब कफूर हो जाती है सजनों और मेरी अच्छी मत हो बेटियों, सब की सब गई तब तक थी जब तक के ज्ञान नहीं आया।
तब तक थी अविद्या, तब तक अज्ञानता और बेचैनी और बेकरारी थी, जब ज्ञान नहीं आया। ज्ञान आया और ये गया, ज्ञान आया और गया, ये फौरन चल जाएगा। जो ही ज्ञान प्राप्त होगा, जो ही ज्ञान प्राप्त होगा, ये जाएगा, ये ठहर नहीं सकता। ज्ञान को आना चाहिए और ये ठहरेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान के ना होने के कारण से ही अज्ञानता, और अज्ञानता के कारण से हम नाना प्रकार की कामनाएं व्यर्थ में कर रहे थे। व्यर्थ की सिरदर्दी, व्यर्थ की सिरदर्दी, या इन बहुधा कामनाओं ने बेगार में हम लोगों को बदकिस्मती से पकड़ लिया। बेगार में आप पकड़े हुए थे। बेटी मैं क्या बोल रहा हूं प्रातःकाल, बेगार में इन गंदी गंदी कामनाओं में हमें पकड़ लिया था, हमें बर्बाद कर रही थी, खराब कर रही थी, सब बागियां दिखा दिखा करके। लेकिन आखिर कब तक? भगवान की कृपा से असलियत की कली खुल गई, भांडा फूट गया और यथार्थता का हमें ज्ञान होने लगा। अब हमें असलियत का ज्ञान होने लगा कि ओ, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे प्रभु के पास है। फिर क्यों ना हम इबादत करेंगे, क्यों ना हम उपासना करेंगे, क्यों ना हम भक्ति करेंगे, क्यों ना हम भगवान का नाम लेंगे, क्यों ना दिन रात एक करते हुए हम महाराज जी की याद में अपने आप को लगा देंगे। कहां गई कामनाएं? ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलेंगी। गई शरीर संबंधी, मन संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, सब की सब काफूर हो जाती है, सब की सब सदा सर्वदा के लिए, याद रखना थोड़ी दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए निकल जाती है, सदा के लिए गई। इस अवस्था में जाकर, क्योंकि भगवान ने सारा उपदेश दिया है, आखिर में आकर कहा समझ आई? आई। अगर आई तो विहार का वन याद सर्वात, इन सब को छोड़ दे, इन सब से नाता तोड़ ले, छोड़ दे इन सब को, निकाल दे इनको, बस अगर सही समझ आ गई तो, बिल्कुल अगर सही समझ आई है तो इनको छोड़ दो। मां पुरुष दृष्टांत देते हैं, किसी पाठशाला में विद्यार्थी अपने उच्च कोटि के आचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे, उसमें पुरुष भी थी, पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। चंद वर्ष लगातार पढ़ते रहे, जब समय आ गया, उनकी सारी शिक्षा संपूर्ण हो गई और महाराज जी से, अध्यापक जी से, आचार्य से आज्ञा लेने लगे वापस जाने की, तो सब महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और वो महिलाएं और मेरे बच्चे सब के सब महाराज जी के श्री चरणों में सिर झुकाते हुए और आशीर्वाद लेके बाहर निकले। बाकी सब तो चले गए, लेकिन एक लड़की और लड़का ठहर गए बाहर, और लड़की ने कहा मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। हां गोपाल नमस्कार, हम इकट्ठे अपने अध्यापक जी के पास पढ़ते रहे और वो भी 7-8 वर्ष। हां तो क्या आप मुझे अपने अनुकूल पाते हैं? गोपाल ने उस लड़की को कहा हां आप भद्र हैं, आप अच्छे के खानदान के हैं, आप विश्वास पात्र हैं, ये मैंने कई वर्षों में देखा, तो क्या मैं आपके अनुकूल हूं? हां मैं पूर्ण रूपेण विश्वास करती हूं आप मेरे अनुकूल हैं, तो बस मैंने इतना ही जानना था और कुछ नहीं, धन्यवाद नमस्कार। अब चले गए, गोपाल ले आके घर में कहा। गोपाल की कुछ दिनों के बाद सर्विस लग गई, गोपाल कमाने के काबिल हो गया, ब्याह का प्रश्न एक जबर जोर लेकर के उठा। गोपाल ने अपने माता पिता को राय दी, अगर आप ठीक समझे तो वो हमारे परिवार अनुकूल है। माँ बाप माने और उनके घर में गए और उनके पिता कहने लगे अगर आप समझे कि हमारा बेटा आपके अनुकूल है तो क्या आप हां करेंगे? फौरन लड़की के बाप ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं और मैं बड़े अपने भाग्य समझूंगा कि आपने मुझे ये निमंत्रण दिया। तो बाद में जब उनका मिलाप हुआ मंगनी के दिन, तो पूछा गया देख आप मंगनी होने वाली विमला मेरी तेरे साथ, तो क्या परिवार को छोड़ देगी? बड़ी खुशी से, मुझे तो जाना ही है, इस घर को तो मुझे छोड़ना ही है, पर मुझे यह बड़ी खुशी है कि मेरे अनुकूल परिवार मिल रहा है जो मेरी कदर करेंगे और मुझे सुख देंगे, मैं छोड़ के चला जाऊंगी, अपने आप ही मैं अब छोड़ूंगी, अब जरूर, इसमें मुझे कोई इनकार नहीं। महापुरुष कहते इसी तरह लगातार के सत्संग सुनने से, लगातार के मनन करने से, जब हमारी मन रूपी गोपाल को पता लग जाता है, मन रूपी दूल्हे को पता लग जाता है कि इन कामनाओं, इन इस ज्ञान में और इस अभ्यास में मेरा कल्याण है, हां
तो वो मन जो नाना प्रकार की वासना कामनों में था उस लड़की की तरह अपने आप ही उनसे ऊपर हो जाता है। क्या मैंने इस परिवार को छोड़ना और छोड़ने मेरा कल्याण है, मुझे छोड़ना ही है और छोड़ने मेरा कल्याण है, क्योंकि मेरे अनुकूल मुझे वर मिल रहा है जब मेरा जहां मेरा भविष्य बहुत ही सुंदर और सुखदायी होगा। इसी तरह सत्संग सुनकर के सजनों और देवियों अपने मन में पक्का करना है कि जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है इस ज्ञान को अपनाने में ही हमारा लोक बनेगा, परलोक बनेगा, आवागमन छुट्टी होगी, सदा रहने वाली शांति मिलेगी, तो हम पुरानी कामना वासना को यूं छोड़ देंगे जैसे हमारी बिटिया शादी के समय हाँ बाखुशी हाँ बड़ी खुशी के साथ घर को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसके मन में समाया हुआ था कि आखिर तो मुझे ये घर छोड़ना ही है और मुझे कहीं बसना है। इसी तरह हमारा मन छोड़ देगा और भगवान के इन शब्दों को चरितार्थ कर देंगे, क्या जो इंसान करे काय से दिल से दूर, जब इनसे निकाल देंगे ये मेहनत नहीं मारनी पड़ेगी, सिर्फ समझना है। जैसे कि भगवान ने हमें समझाया है दूसरे अध्याय के अंदर बड़े विस्तार से, इसलिए सारा समझाने के बाद आखिर में कहा विहाय कामान या सर्वान, जैसे उस युवक ने कहा क्या मैं आपके अनुकूल नहीं, कितने वर्षों के बाद कहा क्यों नहीं, इंद्रा ने उत्तर दिया था आप मेरे बिल्कुल अनुकूल है, तो क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी, अवश्य मैं अपने माता पिता को यह राय दूंगी। इसी तरह शुभ वृत्ति कहती है मन को क्या मैं आपके अनुकूल नहीं, क्यों नहीं, तो अशुभ वृत्ति छोड़ देती है और मन भगवान का प्यारा बन जाता है, प्रभु के चरणों में सदा के लिए अपने आप को डाल देता है। ये चर्चा चलती है अपने बच्चे गुडविल और बैडविल में, गुडविल और बैडविल में, शुभ में और अशुभ में, पाक वासना में और नापाक वासना में। तो चूंकि शुद्ध वासना प्रबल होती है और अशुद्ध बड़ी निर्बल होती है, तो प्रबल वासना निर्बल वासना पर हावी आ जाती है। कई बार आपने सुना है पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, तो ये भगवान की कामना चूंकि तीव्र कामना है, ये कामना बड़ी तेज कामना है, उस संसार की कामनाओं पर हावी आ जाती है। जैसे कि आपका अपना तजर्बा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है, और मुझे देख देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान की वाणी आप पर कारगर साबित हो रही है। हजूर क्या कह रही है, विहाय कामान या सर्वान, इन सब प्रकार की कामनाओं को जिसने त्याग दिया है निरीक्षण करो अपना मन आपका छोड़ता जा रहा है या नहीं, निरीक्षण करो, मैं भी अपना सच्चाई के साथ गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करूं, आप भी अपने हृदय को टटोल लो कि संसार संबंधी सब प्रकार की व्यर्थ की कामनाएं अब हम व्यर्थ कहेंगे, पहले नहीं कहते थे, पहले इन्हें हम सब कुछ समझते थे, अब पता लगा कि ये कामनाएं तो पानी में मथी डालने के समान व्यर्थ की हैं। पानी को मिलोने से भला क्या मिलेगा, संसार संबंधी कामनाओं को मिलोने से भला मुझे कहीं सदा रहने वाली शांति मिल जाएगी, कदापि कदापि नहीं। अब भगवान की अपार कृपा से ये बुद्धि में बैठ गया कि इन तिला में चढ़िया तेल नहीं हो, ओ मेरे अज्ञानी मन इन कामनों को पूरा करने में तो कुछ भी नहीं है, और आज तक क्या हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ, और आगे भला क्या होगा कुछ भी तो नहीं होगा, तो क्यों ना हम एक नई टर्न लें, क्यों ना हम अपने जीवन रूपी बुक में एक नया चैप्टर खोल लें, न्यू चैप्टर इन आवर लाइफ, बिल्कुल ही कायाकल्प हो जाती है, बिल्कुल ही दृष्टिकोण बदल जाता है, एकदम दृष्टिकोण बदलता। इसके बाद हजूर को फिर भी नहीं तसल्ली हुई, क्षमा करना अगर मैं इस प्रकार का शब्द लगा रहा हूं, भगवान को इतनी आज्ञा देकर तसल्ली नहीं हुई, जब भगवान ने कहा जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, विहाय कामान या सर्वान, इतना सर्वान शब्द लगा करके भी भगवान तसल्ली नहीं हुई। क्या भगवान को नहीं ये सोचा कि जिस बर्तन के अंदर हाँ 10 साल 20 साल तेल डलता रहा है निकलता रहा है डलता रहा है निकलता रहा है, बच्चे कोई आपके बर्तन बना रखा है जिसमें सरसों का तेल आप डालते हैं, महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर 5 किलो आप और लाते हैं सरसों का तेल, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर 5 किलो, ये पता नहीं कितने वर्ष गुजर गए हैं, ये कब से डाल रही हैं, पहले दादाजी डालते थे इसके अंदर, फिर हमारे पिताजी डालते रहे, अब हम डाल रहे हैं, कमाल है बर्तन टूटा ही नहीं, तीसरी पीढ़ी में आ गया है और उसमें डल रहा है। हाँ अब किसी कारणवश आपने इस बर्तन को किसी और काम में इस्तेमाल करना है, हाँ तो अब मां ने कहा पुत्र अब इसमें तेल नहीं डालेंगे, निकाल दो सारा तेल, क्योंकि अब वो चीज कीमती है वो इसमें डालेंगे, ठीक, तो आपने छोड़ दिया, अच्छा मां अब हम गिरा दिया बस, मां वो चीज डाल दे, बिल्कुल भी नहीं,
यहां आके भगवान इसलिए कह रहे हैं निस्प्रिया, जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, इतना भी नहीं आप व्याह कामन या सर्वान कह के भगवान ने कहा निस्प्रिया। आचार्यों को यह बहुत हैरानगी में डाल दिया शब्द निस्प्रिया। निस्प्रिय क्या होता है? कामना का सूक्ष्म रूप, कामना का सूक्ष्म रूप, जैसे बेबी हां मनुष्य का सूक्ष्म रूप है, बेबी मनुष्य का सूक्ष्म रूप है, शिशु मनुष्य का नर का सूक्ष्म रूप है, हां शिशु नर इसी तरह निस्प्रिया या सप्रिया कामना का सूक्ष्म रूप है, सप्रिया कामना का सूक्ष्म रूप है। अब तेल तो निकाल दिया गया हां, लेकिन अम्मा कहती है अभी इसमें नहीं डालना, वो जो कीमती चीज है क्या माखी, माखी अभी इसमें नहीं डालनी। अम्मा क्यों? अब तो तेल हम कई दिनों से नहीं डाल रहे ना पुत्र, अब इसमें हम तेल डालते थे कई सालों से, अभी उसकी गंध नहीं गई। अम्मा गंध नहीं गई, देख ले जरा नाक लगा के। हां अम्मा गंध तो सरसों के तेल की आती है। हाँ बच्चा, जिसमें इतने साल हम तेल डालते रहे, भले ही अब तेल नहीं डाला कई दिन, लेकिन गंध तो उसके अंदर है, वो तो उसके एक एक पोर के अंदर एक एक जर्रे जर्रे में उसकी गंध गई है। हम फिर क्या करें? देख बेटी, इसमें हम सोडा डालेंगे, हाँ कपड़े धोने वाला सोडा, फिर इसमें पानी डालेंगे, इसको आंच पे रखेंगे कई दिन इस तरह, पानी गर्म कर करके सोडे वाला, इसको हिलाएंगे, हिला हिला करके फिर इसे उलटाते जाएंगे, कई बार गर्म पानी और सोडा करेंगे, फिर जा करके इसकी वासना भी खत्म हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं निस्प्रिया, जो सूक्ष्म अगर तेरे स्थूल कामनाएं छोड़ दी है तो निस्प्रिय भी हो गया क्या? जो सूक्ष्म कामनाएं वो भी छूट गई? सूक्ष्म कामनाएं फिर कैसे छूटेंगी? ये हमारे सब महापुरुषों ने एक ही जबान से कहा, स्थूल कामनाएं तो सत्संग से, विचारों से, मनन से और वैराग से छूट जाती है, विवेक से छूट जाती है स्थूल कामनाएं। लेकिन सूक्ष्म जब तक आप भगवान के लिए प्रातः काल बैठ के अभ्यास नहीं करते तब तक ये नहीं छोड़ते। जब तक आप वो उसमें गर्म पानी नहीं किया, सोडा नहीं डाला, तब तक बार बार आपने हिलाया नहीं, जब तक आप अपने लगातार अपने मन को अभ्यास द्वारा गर्म नहीं करते, अभ्यास द्वारा उबाले नहीं देते, तब तक ये नहीं छूटती। इसलिए कई साधकों ने अपने चोले को और अपने धर्म को बदनाम कर डाला। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में देवियों ये हमें दिया है, चेतावनी दी है, उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। जिन कम वक्तों ने धर्म को बदनाम किया वो इसलिए स्थूल से छोड़ गए, लेकिन सूक्ष्म तो अभी अंदर थी, फिर लगातार अभ्यास नहीं किया, फिर मिलना जुलना शुरू कर दिया संसारी आदमियों के साथ, धड़ाम से गिरे और धर्म बिचारे को बदनाम करके रख दिया। क्योंकि सूक्ष्म वासनाएं अंदर थी, सूक्ष्म इच्छाएं थी। इसके मेरे उच्च कोटि गुरुदेव स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, अरे कहां गया था मनोरी, तू कहां गया था? मैं ना सैर करने गया था, इतनी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी की बहार है, शीत लहर चल रही है, तू मैं तो रोज सैर को जाता हूं, डॉक्टर ने कहा सैर को नहीं जाएगा तो बीमार होता रहेगा, तेरे जोड़ों में दर्द होता रहता है, तो सैर कर, भागा कर। तो फिर आज क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर हवाएं उड़ी हैं, पसीना आ रही थी गर्मी में, हाँ मैं बच गया हूं। कहते रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, सांप सर्दियों के बाहर में और शीत लहर चल रही है, सांप चल मेरे साथ, कहां मैं तो नहीं जाता, नहीं मनोरी चल। मनोरी को बार बार कहा गया, वो गया, दिखाया सांप वाकई पड़ा हुआ है, लकड़ी के साथ उसे हिलाया, ये तो मरा हुआ है, स्वामी जी का फरमान, ये तो मरा हुआ है। हमने उसे उठा लिया लकड़ी में और घर ले जाने लगे। इतने में सूर्य निकला, गर्माहट सूर्य की आई, उसमें कुछ जान पड़ी, फुंकारे मार, हरे राम, ये तो फुंकारे मारता है, अब हमें खाएगा, छोड़ पड़े। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कोई बुजुर्ग गुजरे, क्या बात थी? ये सांप पड़ा हुआ था सर्दियों के बाहर में, कहीं बाहर आ गया होगा बेचारा, किस्मत का मारा। हाँ तो ये सांप मरा हुआ नहीं था बल्कि जिंदा था, जाड़ा खाए हुए था, जाड़ा खाए हुए सांप, कोल्ड स्टिकन स्नेक, कोल्ड स्ट्रिकन स्नेक, यह ऐसा सांप था जो जाड़े खाने से या जाड़ा लगने से मरे हुए समान था। क्योंकि भगवान ने यह ऐसा जीव बनाया जिसमें हड्डियां नहीं बनाई, यह बिना हड्डियों के जीव बना हुआ है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं,
एक सिरे से लेकर दूसरे तक, या ऐसा जीव बना जिसमें हड्डी नहीं है, इसलिए ये ठंडी हवा नहीं बर्दाश्त करता और लू भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर हड्डियां होती तो वो कुछ सहन कर सकता, लेकिन भगवान ने कहा एक मैं ऐसा भी जीव बना के अपने कर्तव्य को दिखाता रहूं जो बिना हड्डियों के है। भगवान ने हड्डियों के एंगल आयरन इसमें नहीं बनाए, इस बेचारे को इसलिए रींगना पड़ता है, ये रींग रींग के चलता है तो सर्दी से बड़ी खाती है। तो जो सर्दी खाए हुए था तो इस प्रकार बेहोश पड़ता, लेकर मरा हुआ नहीं, सर्दी खाया हुआ था, जब मौका लगा फुंकारे मारने लगा। भगवान कहती हैं, मेरे गुरुदेव जी फरमाती हैं, जब जीव को सत्संग मिलता है, वैराग करता है, हाँ विवेक करता है, तो ये विवेक खाया हुआ, सत्संग के विचार खाया हुआ मन है जो अभी मरा नहीं, ये विचार खाए हुए है। महापुरुषो तुम्हारा बड़ा भला हो, कितना कमाल का दृष्टांत दिया है, अभी ये विचार खाए हुए है, अभी ये सत्संग खाए हुए है, अभी ये विवेक खाए हुए है। हाँ अगर ये लगातार अभ्यास करता रहेगा तो ये जो विचार खाए हुए ये गहरे उतर जाएंगे, और अगर इसने अभ्यास ना किया तो शाम को जब गर्माइश मिलेगी फुंकारे मारेगा। अगर इसने फिर संसारी आदमियों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया और उनकी बहुधा गंदी काम भरी क्रोध भरी लोभ भरी बातें सुननी शुरू कर दी, फिर फुंकारे मार के अपने चोले को दाग लगाएगा। और अनेकों ने लगाया, अनेकों मेरी बेटियां छोड़ छोड़ा के चले गई, भाई छोड़ छोड़ा चले गए, लेकिन लगातार अभ्यास नहीं किया। हालांकि भगवान ने विश्वास भी दिलाया था, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में, लेकिन नहीं कमाया, छोड़ दिया। और हमने कामना छोड़ दी है, वो कामना थोड़ा सा थोड़ी शांति तो जरूर मिलती है, पूरी शांति नहीं मिलती, थोड़ी शांति मिलती है। तेल नहीं डाला हमने उस बर्तन के अंदर, लेकिन जो सालों से डालते रहे उसकी गंध तो है, वो गंध जाएगी जब हम लगातार अभ्यास, और कोई तरीका ही नहीं है और कोई चारा नहीं। सजनों मेरे अच्छे बुजुर्गो, मेरी माता बेटियों, लगातार जीव अभ्यास करें, लगातार जीव अभ्यास करें। इसलिए भगवान ने मन को पकड़ने के दो ही उपाय बताए हैं, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के ना, लगातार अभ्यास किया जाए। अभ्यास इंतु कौनते ये वैराग्यं च गृह्यते, जब हम ये दो साधन लगातार करते हैं तो फिर तो आप जानते हैं मश्क इंसान को कामिल बना देती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, फिर जीव परफेक्ट हो जाता है, फिर उसका मन पूर्ण रूपेण भगवान में तलीन होके मन फिर रहता ही नहीं, मन महाराज जी के साथ में समा गया, संकल्प विकल्प खत्म हो गए, तब तो मौज बहार बन गई। लेकिन अगर ये अवस्था नहीं बनी पहले तो फिर खतरनाक। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, विहाय कामान या सर्वान, नहीं मेरे प्रभु को चैन आया, अपने को अपने प्यारे को और गाइडेंस दी, अपने प्यारे की और रहनुमाई की, और कहा निष्प्रिया, अरे सूक्ष्म इच्छाएं भी अभ्यास करके छोड़ दे, जो आज्ञा मेरे इष्टदेव मेरे जगत गुरु, बहुत अच्छा आपने कहा। इसके बाद ऐलान होता है, जब तू इतना करेगा निर्ममा, तेरे में ममता भी नहीं रहेगी, तेरे में आसक्ति भी नहीं रहेगी। आसक्ति कब होती है, जब हम भूल से इस शरीर को अपना समझ लेते, मार गई ये काया हमें, खा गई ये काया हमें, मार गई इसी ने बहुत दुख दिया, जब इसको अपना समझ लिया। हालांकि आपकी कसम ऐसे सुंदर वातावरण में बैठे हुए है, हमारी ये है किसी रूप में नहीं, मुकदमा चले तो हम हारते जाए, किस रूप में अपनी है। मैंने आपको दृष्टांत दिया था बाप और बेटे का, गोविंदगढ़ के अंदर एक मुकदमा हुआ जो कि पटियाला में पेशियां होती थी, सगे बाप सगे बेटे का मुकदमा हुआ जायदाद के ऊपर, तो पहली पेशी पर ही लड़के को हथकड़ी लगी थी। एक निराली घटना आई थी अखबार के अंदर, पहली पेशी पर ही जज ने कहा लगा लो इसको हथकड़ी और डाल दो इसको जेल के अंदर और इसकी कोई जमानत ना हो। बाप ने यह कहा पहली पेशी पर, कोई वकील नहीं किया, ना कोई वकील ना कोई अलील, सीधी बात कही, जज साहब आपको मेरा आदर से नमस्कार, आप भी पिता हैं मैं भी पिता हूं, हां इसी पेशी पर खत्म कर दो, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, ये मेरा बेटा मेरे अपने खून का बेटा है, गैर का नहीं, मेरा अपना बेटा है, मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं बड़ी शर्म को रोक के आपके पास आया हूं। तो आप कहिए सरकार आपका बेटा है, मैं मानता हूं मेरा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा मेरा और है। तो फिर इसने मुकदमा किया, मैं मानता हूं मैं स्वीकार करता हूं, इसी पेशी पर तो सारा कुछ मैं देने को तैयार हूं, ये सब अपनी जबान से कह दे, क्या इसने एक पैसा भी कमा के जायदाद बनाई, सिर्फ एक पैसा इसने बनाया एक लगाया, सिर्फ ये कह दे सब कुछ मैं वापस लेता हूं, मेरा कोई इसके खिलाफ नहीं, इसने कुछ किया क्या, इसे डक्का तोड़ा क्या, इसने खून पसीना एक किया, कोई नहीं, एक पैसा कमाया, ये जितनी जायदाद बनाई, मैंने कारखाने बनाए, मैंने जायदाद बनाई, मैंने मकान बनाए, इसने कुछ किया, कुछ इसने अपना शेयर डाला है। जज ने कहा बोल बेटे, ना जी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो क्या बाप की जात का मेरा हक नहीं है,
तेरा हक तब है जबकि बाप कहे। एक अजीब नियम जी, लड़के का हक, औलाद का हक तब बनता है जब उसने अपनी ओर से बनाया हो, और फिर जद्दी भी नहीं कि दादा ने बनाया हो। जद्दी हो तब तो बेटी का हक बनता, जद्दी होता है जो पुश्तों से आ रही हो, दादाजी से आ रही हो, जो पिताजी खुद बनाए उनकी मर्जी है तुम्हें दें या ना दें। वो वाहिद, उर्दू बोलते हैं वाहिद मालिक। इसने क्या किया, नलायक ने, मेरे पास मुकदमा करने के लिए आ गया है, इसका हक क्या बनता है? जबकि बिल्कुल नलायक है, अवज्ञाकारी है, मेरी बेइज्जती करता है, भरी जनता मुझे गालियां देता है, मैं नहीं देना चाहता, मैं इस साजिदाद को किसी धर्म अर्थ लगा दूंगा, इसको नहीं देना चाहता। ये बात बोल, तूने कमाया नहीं, मुकदमा किस बात का, और तेरा हक क्या है? उस वक्त कैद लग गई, अंदर कर दिया, और कई दिन उन्होंने जमानत में ली लड़के को अंदर, हालांकि लाखोंपति लड़का था, अंदर पड़ा रहे, अंदर जमानत न कर उसकी। इसी तरह अगर भगवान मुकदमा कर दे या धर्मराज मुकदमा कर दे, नलायक तू जो इस काया रूपी बिल्डिंग को अपनी समझता है, बता किस तरह तेरी अपनी है? तूने इसके बनाने में क्या खर्च किया? क्या ये पांच तत्व तूने बनाए? नहीं। क्या इसको रचने में तेरी कुछ मदद, कोई तेरी मदद हुई? नहीं। क्या इसको चलाने में तेरी कोई मदद है? नहीं। इसको पाल कौन रहा है? आग पानी हवा मिट्टी आकाश, तेरी कोई मदद है? नहीं। बेशर्म कहीं का, बता फिर तूने कैसे कहा कि ये मेरी है? फिर भी मैं कहता तू तो मेरी है, तेरी कैसी हुई? तत्व तो हमारे नहीं, पांच तत्वों से काया बनी है, हमारे नहीं है, भगवान के हैं। अब इनको पाल कौन रहा है? पांच तत्व तो पाल रही हैं, धरती की उपज हम खाती हैं वो भगवान की, जल हम पीते हैं वो भगवान का, वायु हम लेते हैं वो भगवान के, सूर्य की तपश हमारे में जठराग्नि बनी हुई है वो भगवान की। हाँ, ये सर कोई भगवान का। फिर जो शक्ति चला रही है जिसको हम आत्मा कहती है वो भगवान की, और हम ढेके आ गए कहने वाले ये काया मेरी, ये काया मेरी। फिर भी ये तो मैं मानता, देखो हमारी मूर्खता, ये तो हम मानते हैं कि पांच तत्व भगवान के, ये भी हम मानते हैं भगवान ने बनाया, ये भी हम मानते हैं कि भगवान इनको पांच तत्व देखे पाल रहा है, ये भी हम मानते हैं भगवान की आत्मा चल रही है, फिर भी काया तो मेरी है ना। जैसे लड़का जिद कर रहा था, फिर जिद तो मेरी, मैं जो इनका पुत्र हूं, ये खुद कह रहे हैं जज साहब के ये मेरे पुत्र है। ठीक है तेरे पुत्र है, पर तूने कुछ शेयर दिया, तूने कुछ सहयोग दिया? अभी तक तो कोई नहीं दिया, हमने क्या कर किया? हमें तो पता ही नहीं होता, हमें अंदर डाल देते हैं, हाँ हम गहरी नींद में सो जाते हैं, अंदर चला कौन रहा है, ये सारा सिस्टम बना कौन रहा है, ये कौन कारखाना दिन रात चलाया जा रहा है, फिर भी ओवर टाइम नहीं मांगता, दिन रात चलाया जा रहा है, जरा सा गवर्नमेंट में पानी देती है वाटर टैक्स, जरा सा बिजली देती है आपको, बिजली का बिल आती है आपको, जमीन लेती है जमीन का टैक्स आती है, आप आमदनी कमाती हैं तो भी आपको इनकम टैक्स आता है। वाह वाह मेरे शाम सुंदर, इतने साल इसको पाल के पढ़ा के एक दिन भी बिल नहीं दिया, कह रहे मेरा भी बिल निकाल। उनकी कृपा देखिए भगवान जी की, एक दिन भी बिल नहीं आया हमारे नाम पर कि तूने मेरी वायु ली, तूने मेरा जल लिया, तूने मेरी धरती की उपज ली, तूने जठराग्नि मेरी सूर्य की तपस्या अपने अंदर रखी है, बिल निकाल। कहां, वो तो अहित को कृपालु है, बिना किसी हेतु कृपा करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा विचार पर जोर दिया जाए, बुद्धि पर, तो शरीर हमारा नहीं, यही कहना पड़ेगा भगवान की अमानत है। तो इसी पर सोचो समझो और करो। ओम शांति शांति शांति, ओम प्रभु, जय भगवत गीता।